नमस्कार, सीएमए न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कनिका। हरियाणा के सीएम सिटी करनाल की बात करते हैं, जहां राजकीय महाविद्यालय घरोंडा के एनएसएस सर्वे सेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने रायपुरा गांव में रास्तों को साफ किया, लोगों को अपने घर और गांव को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर प्रयास करने से ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। एनएसएस वॉलंटियर ने चलाया स्वच्छता अभियान। गांव की सहकारी समिति में फैली गंदगी को किया साफ। स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक। सड़कों पर खड़े घास को उखाड़ दिया स्वच्छता का संदेश। राजकीय महाविद्यालय घरोंडा के राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वे सेवकों ने 7 दिवसीय कैंप के तहत अरायपुरा गांव में स्वच्छता अभियान चलाया। एनएसएस इंचार्ज सुरेश शर्मा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने हाथों में झाड़ू और फावड़े लेकर सड़कों पर फैली गंदगी को साफ किया। एनएसएस के वॉलंटियरों ने अरायपुरा की सहकारी समिति में लगे कचरे के ढेर को भी रास्ते से हटाया और रेड़ी में लादकर एक कोने में डाला। वहीं कैंप को लेकर वॉलंटियरों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। सर्वे सेवकों का कहना है कि कैंप का आज 4th दिन है और उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया है। कोई व्यक्ति पॉलिथीन का प्रयोग ना करे, उसके स्थान पर कपड़े से बने बैग भी गांव में वितरित किए गए हैं। सर्वे सेवक आपातकाल में किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। सर, मेरे को बहुत कुछ सीखने से मिला, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। एनएसएस में हम कई गांवों में जाते हैं, सफाई करते हैं, मंदिरों में सफाई करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हम बताते हैं कि पॉलिथीन को कम से कम प्रयोग करें और थैलों का प्रयोग करें। सर, ये हमने इसलिए किया है कि हम साफ सफाई रखेंगे तो इससे हमारा ही फायदा होगा, बीमारी कम से कम होगी, लोग जागरूक होंगे। यहाँ जी रायपुर गांव में एनएसएस कैंप लगाया गया जी, जो 7 दिन का है। और यहाँ पर जम मतलब जी तीसरा 4th दिन है जी, जो हम मतलब लगातार काम कर रहे हैं, इसमें साफ सफाई कर रहे हैं। और जो ये हमारे सर है, ये हमारे इंचार्ज हैं जी, और इस काम में जी तीनों टाइम जो है खाना मिलता है हमें। और गांव गांव जाके जी मतलब यहाँ दुकानों जाके थैले बांटे हैं। एनएसएस के द्वारा जी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम लोगों को यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज घरोंडा के द्वारा 7 दिन का एनएसएस कैंप लगाया गया है, जिसका नेतृत्व हमारे सर सुरेश शर्मा जी कर रहे हैं जी। यहाँ पे हम लोगों को जागरूक करते हैं जी, जैसे पानी की टंकियाँ चेक करते हैं, और जी जैसे कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है उसमें हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना वाले जाके हेल्प करते हैं जी। जैसे नेत्रदान हुए जी, ब्लड बैंक हुआ जी, उसमें जी अपना सहयोग देते हैं। एनएसएस इंचार्ज सुरेश शर्मा के मुताबिक एनएसएस कैंप में बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि किसी दुर्घटना के समय बच्चे मदद कर सके। और गांव में सर्वे सेवक प्रौढ़ शिक्षा को लेकर भी कार्य कर रहे हैं। एनएसएस कैंप के तहत गांव अरायपुरा को चुना गया है, जिसमें साफ सफाई और अन्य मुद्दों को लेकर छात्र कार्य कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय घरोंडा द्वारा गांव अरायपुरा में 7 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है, और इस कैंप के तहत हमने पहले दिन जो है गांव की गलियों की और गांव के स्कूल की सफाई की, साथ में मंदिर में भी हमने सफाई की है। और उसके तहत हम कैंप के तहत हम बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, होम नर्सिंग की ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं। इसके साथ साथ और जो प्रौढ़ शिक्षा के कार्य हैं, बाद दोपहर बच्चे जाकर के गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ में ही जो है गांव के जो भी अनपढ़ लोग हैं उनको शिक्षित कर रहे हैं बच्चे जाकर, उनको जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के क्या क्या फायदे हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो भी है गांव में सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ आगे भी हम गांव में जो बाकी कार्य बचे हुए हैं, कुछ तो हमने कर दिए हैं और बचे हुए हैं, उन सारे कार्यों को हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करवाते रहेंगे। इसी प्रकार हमारा अभियान ये चलता रहेगा और गांव के लोग भी हमारा इसमें खूब सहयोग कर रहे हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का कहना है कि सफाई का जीवन में बहुत महत्व है और सभी को स्वच्छता को अपनाना चाहिए। कॉलेज के छात्र अपने हाथों से सफाई और ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय घरोंडा के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो 7 दिवसीय जो कैंप लगाया गया है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो स्वच्छता के बारे में लोगों को जानकारी देना, उनको अवेयर करवाना, और इसके साथ साथ हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो अपने हाथों से भी लोगों को वो सफाई अभियान चला करके और जगह जगह पर गांव की गलियों में
अनेकों सफाई के जो है काम इन्होंने अपने 7 दिनों में करने हैं। आज इस कैंप का 4th दिन है और ये कैंप 8 तारीख तक चलेगा और इसमें हम ज़्यादातर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे और हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो गांव में सभी लोगों से जाकर के कांटेक्ट करेंगे। हमने सरपंच से भी इसके बारे में जो है पहले भी कांटेक्ट किया है और आगे भी उनकी तरफ से हमारे को काफ़ी कोऑपरेशन मिल रहा है और वो गांव के स्वच्छता के बारे में बहुत ज़्यादा जो है इच्छुक हैं कि हमारा गांव जो है उसमें सफाई, क्योंकि सफाई का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व है। बहरहाल कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने गांव में सफाई कर न केवल स्वच्छता का संदेश दिया बल्कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर जो सपना देखा है वो उसे भी साकार करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं।